बड़म्बा में। और जैसा कि पिछले दिनों में आपने देखा भी होगा कि इस गांव में पहले भी दो संगठन तैयार हो चुके हैं जो समाज हित के कार्य करने में लगे हुए हैं। एक संगठन बीआरडी सोसाइटी बड़म्बा के नाम से जो बहुत अच्छे कार्य गांव स्तर पर कर रहे हैं, और दूसरा संगठन चंद्रशेखर आज़ाद संगठन, वो भी बड़े नेक कार्य करने में लगे हुए हैं, जो युवा साथी नौकरी पेशा साथी जो बड़ा ज़बरदस्त कार्य कर रहे हैं। उसी की तर्ज पर आज एक तीसरा संगठन भी सामने आया जो पिछले कई दिनों से समाज हित के कार्य करने में लगा हुआ है। तो जिस प्रकार से ये जन चेतना मंच नाम से एक संगठन तैयार किया है, जो हमारे पीछे युवा साथी हैं और बुजुर्ग भी, जो पूरा जो मेल होता है संगठन का वो खड़ा है हमारे पीछे। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो शायद सरकार के द्वारा नहीं हो सकते, गांव सुधार के कार्य वो एक संगठन के द्वारा हो सकते हैं, जो इस संगठन ने साकार करके दिखाया है और अभी भी लगे हुए हैं। आगे की आज जो मीटिंग हुई है उसमें एजेंडे पास करे गए हैं कि आगे क्या क्या कार्य करने हैं और किस प्रकार से हमें गांव की सुविधाओं को, गांव के मंदिरों की, गांव की चौपालों की, गांव के पार्कों की या फिर अन्य स्थानों की देखभाल किस प्रकार से करनी है। आइए मिलते हैं जन चेतना मंच के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से उनका एजेंडा रहेगा और किस प्रकार से अपना सहयोग करेंगे। हमारे साथ में इस संगठन से मास्टर सुखबीर सिंह जी, जो इस गांव की आन बान शान भी हैं, जो हरियाणा के एक बहुत बड़े कलाकार भी हैं, रागनी गायक भी हैं, हमारे लिए गर्व और फख्र की बात है। ये इस संगठन को आगे बढ़ाने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। मास्टर जी को नमस्कार। जी नमस्कार भाई पवन, कैसे हो जी? बिल्कुल ठीक ठाक। जो आज का जो एजेंडा पास किया गया है, तो जो जन चेतना मंच जो तैयार किया गया है, इसमें क्या क्या कोशिशें रहेंगे, सर्वप्रथम तो ये बताइए आप। भाई इसमें कोशिश ये है कि गांव में जो भी धरोहर हैं और जो सरकार सुविधा दे रही है या गांव को ज़रूरत है, उनको सरकार को सचेत करना, सरकार से डिमांड करना, और जो पुरानी धरोहर हैं हमारी उनका रखरखाव करना, यही उद्देश्य है। जैसे पिछले दिनों जो और संगठन थे उन्होंने कहीं शमशान घाट की सफाई करी है, कहीं कुएं की सफाई करी है, तो कहीं पर पेड़ पौधे लगाने का कार्य किया, इस तरह का भी कार्य आपने जो किया है? इस तरह की शुरुआत हमने करी है शहीद पार्क से। हमारा जो शहीद पार्क था, उस शहीद पार्क में बिल्कुल गंद फैला हुआ था, वहाँ लोग लेटरिंग भी जाते थे। उस शहीद पार्क में इन भाइयों ने अपनी जेब से, किसी से चंदा नहीं लिया, अपनी जेब से इकट्ठे करके वहाँ बैठ के, और जो पैसा जितना होया इकट्ठा उससे वहाँ काम किया है। अब वहाँ आप देख चुके हो वो रिजल्ट। ठीक, जैसा कि शहीद पार्क की सफाई करी है, उसी तरीके से एक एजेंडा, जब ये यहाँ पर सभी संगठन के साथी यहाँ बैठे थे तो इन्होंने एक निर्णय लिया जो बहुत बड़ा निर्णय है। में हमारे साथ हैं प्रधान राजा जी हैं, उनसे बात करें। राम राम जी। राम राम भाई। तो के निर्णय लिया, किस प्रकार से निर्णय लिया गया, कितना अच्छा लगा आपने, इसमें कितना सहयोग मिल पाएगा युवाओं का और बुजुर्गों का? हमने जी पहले तो स्कूल में जाके चेक किया, हमारे स्कूल में सरकारी मॉडर्न स्कूल जो प्राइवेट हैं, जो 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपये फीस लेते हैं ना, उनसे बेहतर सुविधा हमने वहाँ देखी गई। पार्क की सुविधा, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा और टीचरों की सुविधा, उसको देखते हुए मुहिम चलाई। और जितने भी हमारे इसमें जो सरकारी टीचर भी हैं इस मुहिम चलाने में जो हाजिर है, और हमारे पुराने सरपंच भी हैं और पुराने रिटायर मास्टर भी हैं जिनके पास हम पढ़े हुए हैं, वो भी आज इस मुहिम के अंदर हैं। पूर्व सरपंच हवा सिंह जी भी हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में बहुत अग्रणी भूमिका निभाई, और गांव के युवा साथियों ने और बुजुर्गों ने इसी चौपाल में इनको सम्मानित किया। ये हमारे साथ हैं। राम राम दादा जी। राम राम, कैसे हो? बढ़िया, बिल्कुल। तो किस प्रकार से लगा जो ये संगठन तैयार हुआ, क्या इसमें आगे बढ़ने की संभावना है? आगे बढ़ने पूरी संभावना है, पूरा ताकत ला रहे हैं कि ये कामयाबी होगी। हर चीज में स्कूल में बिल्कुल चलाने के लिए यह आज संगठन इकट्ठा भी नहीं कर रहा था, और यह संगठन पूरा कामयाब रहेगा लगता है। कई बार है ना, हर चीज़ में टांग खिंचाई होती है, क्योंकि कोई शुरुआत हम करते हैं किसी मामले की तो उसमें हर आदमी अपना अपना निजी लाभ देखते हैं। क्या इस प्रकार की टांग खिंचाई तो नहीं हो जाएगी, कहीं संगठन बिखर तो नहीं जाएगा? कोई टांग खिंचाई नहीं होगी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पूरा कामयाब होगा।
चलो हरी में खिंचाई का कम नहीं रहेगा बिल्कुल भी। चलो एक और साथी हमारे साथ मास्टर उमेश कुमार जी सरकारी जो अध्यापक हैं और जन चेतना नव जो चेतना मंच है इसके सक्रिय सदस्य भी हैं, आप किस प्रकार से देखते हो इस काम को? इच्छा यह है हमारे तो गांव का गरीब बच्चा भी को पढ़ लिए और उसको पूरी शिक्षा मिले और गांव का जो सुधार है बिजली का पानी का उसकी व्यवस्था हो और संगठन मजबूत से मजबूत बना रहो हमारी यही प्रक्रिया है इसमें। तो प्रोफेसर सुरेश कुमार जी भी हैं, इनका अहम रोल रहता है जो सरकारी नौकरी करने वाले जो युवा साथी हैं जो अपनी ड्यूटी का समय जैसे संडे का टाइम होता है उस दिन पूरा समय इस मंच को देते हैं और गांव के हित के कार्यों को करते हैं। प्रोफेसर सुरेश कुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो? बिल्कुल ठीक है जी। किस प्रकार का कार्य अब तक आपने किया है और भविष्य में क्या प्लान है? भविष्य में जैसे आज की मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं, एक तो सरकारी स्कूल जो मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया है उसमें हम घर घर जाएंगे और बच्चे हर बच्चे को उसमें एडमिशन दिलाने की कोशिश करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे। कुछ जो छोटी छोटी गांव की समस्या हैं बगैर खर्च की, जैसे शहीदी पार्क का जीर्णोद्धार किया है, जैसे गांव में रोड टूटा फूटा है, बेरी रोड नाले ख़राब हैं, उसके लिए भी हम अगले नेक्स्ट संडे को मीटिंग करेंगे और उसका समाधान ढूंढेंगे। क्या जैसे गांव में आजकल जो समस्याएं हैं कि जैसे नशे की तरफ युवा बढ़ रहा है उसके लिए भी कुछ अलग करने जा रहे हैं? ये संगठन उसी के लिए है मेन पर्पज, तो अगर अच्छे आदमी इस संगठन के हिस्सा बने और जो नशे की राह पर चले हुए हैं दूसरे गलत कामों में लगे हुए हैं वो हमारे मुहिम में, जो हमारे मास्टर जी हैं जो रिटायर्ड टीचर हैं हमारे साथ हैं दयानंद मास्टर जी जिनके पास हम पढ़े हैं और साइंस टीचर रहे हैं वो भी हमारे साथ इस मंच में जो हैं जुड़े हुए हैं उनसे बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, कैसे हो जी? बढ़िया जी। क्या सर आपको यहाँ का जो माहौल देख के ना संगठन किस प्रकार से कार्य कर सकता है ये देख करके बड़ी जो है खुशी हुई कि युवा वर्ग जो है जागृत हो चुका है और इसने अपने लेवल पर जो है दो चार काम पहले भी कर लिए हैं और आगे का भी जो है एजेंडा इन्होंने आज पेश किया है तो उसको जो है इन्हें हमारे सामने रखा, हमने इनको कुछ मार्गदर्शन दिया और ये बहुत ही सक्रिय है और हम जो है आशा करते हैं कि ये संगठन जो है फले फूले खूब बढ़िया काम करे, गांव के जो है सेवा करता है। धन्यवाद मास्टर जी। तो जैसा आप सब साथियों ने देखा कि संगठन के जितने भी बुजुर्ग और युवा हैं उन्होंने नेक नियति से कार्य करने के लिए अपने आप को मजबूती से इनके साथ खड़ा किया है तो उम्मीद करूंगा कि जितने भी हरियाणा प्रदेश के जो जितने भी गांव के दर्शक साथी जुड़े हुए हैं जो देखना लगे हुए हैं इस चैनल को तो वो उनसे भी उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार की मुहिम आप भी खुद भी चलाएँ अपने अपने गाँव में ताकि गाँव स्तर को आप ऊँचा ले जा सको और इस तरह के कार्यों में सहयोग कर सको ताकि अपने गाँव का भविष्य उज्ज्वल हो। नशा मुक्ति अभियान भी छेड़ना चाहिए इसके साथ साथ और शिक्षा की तरफ देना चाहिए जिस प्रकार से हमारे गांव के जो इस मंच ने निर्णय लिया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले के लिए एक मुहिम चलाएंगे उसी प्रकार आप भी एक मुहिम चलाएं और इनको आदर्श मान के अपना एक संगठन तैयार करें ताकि भविष्य उज्जवल हो और आपका भी और गांव का नाम भी और साफ सफाई में आप सब आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।